आखिर ये नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है? ये सवाल हमारे मन में कई बार आता है, लेकिन हमें इसका सही जवाब नहीं पता होता। नवरात्रि को 9 दिनों तक मनाने के पीछे कई कारण हैं। कुछ धर्म कथाएं हैं तो कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के इस पर्व को 9 दिनों तक मनाने के कारणों के बारे में बताएंगे। नवरात्रि पर्व को 9 दिनों तक मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा बहुत प्रसिद्ध है। धरती पर महिषासुर नाम के असुर का प्रकोप था। असुरों के अत्याचार से हर तरफ त्राहिमाम मचा था, जिससे परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने एक साथ मिलकर महाशक्तिमान दुर्गा का मदद मांगी। असुरों के प्रकोप से सबको बचाने के लिए माँ दुर्गा प्रकट हुई और असुरों के साथ युद्ध किया। माँ दुर्गा के साथ असुरों का ये युद्ध 9 दिन और 9 रातों तक चला। दशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के असुर का भी वध कर सभी असुरों का विनाश कर दिया। तब से ही 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने की प्रथा शुरू हुई। नवरात्रि की एक पौराणिक कथा भगवान श्री राम से भी जुड़ी है। भगवान राम ने वानरों की सेना के साथ मिलकर लंका में रावण का वध किया, लेकिन रावण का वध इतना आसान नहीं था। श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण को मारने के लिए श्री राम ने 9 दिनों तक देवी अनुष्ठान किया। आखिरी दिन देवी माँ प्रकट होकर भगवान श्री राम को जीत का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद दशमी के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। नवरात्रि को 9 दिन तक मनाने के पीछे ये भी एक प्रथा है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार देवी माँ ने त्रिकुट पर्वत के पास एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। आज के समय में इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी गुफा के रूप में जाना जाता है। देवी माँ की तपस्या में कोई रुकावट न आए, इसके लिए गुफा के बाहर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। लेकिन जब भैरवनाथ ने अंदर जाने की कोशिश की तो इन दोनों में युद्ध हो गया, जिसके बाद माँ खुद महाकाली के रूप में प्रकट हुई और भैरवनाथ का सिर धर से अलग करके उसका वध कर दिया, जिसके बाद से भक्त 9 दिनों तक माँ की आराधना करते हैं। दोनों नवरात्रि शुरू होने से पहले मौसम में बदलाव आता है। चैत्र नवरात्र गर्मी शुरू होने से पहले आते हैं, शारदीय नवरात्रि सर्दियां शुरू होने से पहले आती है। इन दोनों ही समय मौसम में काफी परिवर्तन देखा जाता है, जिसका सीधा प्रभाव मानव के शरीर पर पड़ता है। इस दौरान लोगों को बुखार, खांसी, इन्फेक्शन जैसे समस्या से जूझना पड़ता है। इन दिनों में अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इन 9 दिनों लोगों को फल और आसानी से पचने वाले भोजन खाने की जरूरत होती है। हमारे पूर्वजों को इस बात का पता था, इसलिए उन्होंने व्रत रखने के साथ देवी की पूजा अर्चना भी शुरू की, ताकि आने वाली पीढ़ी माँ दुर्गा की भक्ति के साथ व्रत रखकर इस बदलते मौसम में अपना ध्यान रख सकें।